1st September 2020, class 9, subject maths, topic number systems, exercise 1.2, chapter 1. तो इसमें जैसे मान लो एक इसमें जैसे आ जाए कि जैसे हमने पे करना है आपको एक आ गया जैसे कि हमने 1.27 एग्जांपल नंबर 2 के तौर पे इसके ऊपर बार है वहां पे लिखा गया है इस तरह है इसको p by 2 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं लेट x इक्वल टू 1.27 इसे फर्स्ट नंबर इसके बाद है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई Both sides by 10. So here we have 10x equal to 100 से भी कर सकते हैं ध्यान रखना क्योंकि अगर पॉइंट के बाद अगर बार आ जाए तो डायरेक्ट हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को एक साथ लाने के लिए ब्रिगेड क्योंकि बाद से पहले अगर कोई फिगर आ जाए उसके ऊपर बाद का निशान नहीं है तो पहले उस फिगर को उस नंबर को लाएंगे उसके बाद बार वाले को तो पॉइंट के बाद बार ये है तो इसे डायरेक्ट है बोथ साइड बाय 100 कर सकते हैं यहाँ पे और ये आ जाएगा 1.27.2727 और ये 2 नंबर हो गया तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को 2 से सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम 2 वी गेट 99x इक्वल टू 126.00 अब x equal to 126/99 3 से ये कट जाएगा 3 को जा 3 को जा और ये हो जाएगा 9 से काट देते हैं 9 हो जा 9 को जा और ये हो गया 11 ये हो गया 3 by 2 के फॉर्म में 14/11 तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14/11 अगर कोई पहले आ जाए जैसे अभी बता दीजिए अभी कुछ देर पहले बताए थे अगर इनके जगह पे पॉइंट के बाद भी कोई नंबर आ जाए तो कैसे करते हैं कोई नंबर आ जाए तो इसको हम कैसे करते हैं और एग्जांपल ऐसे आ जाए तो 35 इसके ऊपर बार 0.235 इसके ऊपर अगर बार है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वही लेट
5 3 5 इसमें लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब क्यूएल टू को पहले लाएंगे, 3 5 को नहीं ला सकते क्योंकि बाघ 2 पे नहीं है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 2.0। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। अगेन मल्टीप्लाई 4 sides by 100। अगर 100 सब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 x इक्वल टू 235 points। ये हो गया थर्ड नंबर। लेकिन आपके पास थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड वी गेट 990x इक्वल टू 233.0। एक्स इक्वल टू 233/990। अब ये नहीं कटेगा, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह का अगर सम आ जाए तो आप ऐसे सोल्व करेंगे 233/990 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर पॉइंट में कोई हो तो उसको डेसिमल में ला सकते हैं, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करते हैं, अगर इनका हमने डेसिमल एक्सपेंशन अगर करना है कोई नंबर का, जैसे 10/3, 7/8, 1/7, डेसिमल एक्सपेंशन और भी है, तो नीचे वाले से जैसे 3 से हम डिवाइड करेंगे 10 में, 3 3 9 0 0, ये ऐसे ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं by 3 equal to 3.33, ऐसे भी या इसको लिख सकते हैं 3.3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दूसरा जैसे आगे जैसे 7/8 है, 8 से डिवाइड करेंगे 7 में, डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे जो दिया हो उसको हम डेसिमल में भी ऐसे कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
अगर डेसिमल में दिया है तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह ये जो कट जाए इस वजह इसका रिमाइंडर जैसे जीरो आ जाए तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग। और जो नहीं कटे नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार उसमें जैसे 333 है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिबिटिंग तो उसको कहते हैं हमें नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये हो जाता है। तो इस तरह ये डेसिमल वाले भी अगर इस फॉर्म में लाना है ये भी सभी ऐसे ही होते हैं, इनको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं इसी तरह करके। वैसे जो क्वेश्चन है उसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस तरह इन्हें सोल्व करें और हमारा ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह आ जाए। सही। तो वन चैप्टर में ये भी है, इसे भी आप अच्छी तरह करेंगे, आप कर भी सकते हैं अच्छी तरह, तो इसका ध्यान रखना। ये उसका सेकेंड पार्ट हो गया, पहले पार्ट में कुछ और सेकेंड पार्ट में कुछ और।